हाय स्टूडेंट्स मु संतोष कुमार सिंहलाल आपण मानको स्वागत करुची आम यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को एठारे आपण प्लस टू आर्ट्स ओ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी शॉर्ट वीडियो गुड़ी का पाई पारिबी। जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु। एहा द्वारा आपण आम चैनल रे अपलोड होता वीडियो गुड़ी करा नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई पारिबे। आजीरो वीडियो रे आमे पढ़ीबा फ्रेंच रिवॉल्यूशन बा फरासी राष्ट्र विप्लव जहाँ कि 1789 रे संगठित होई थिला। आधुनिक पृथ्वीर जुगांतकारी घटना गुड़ी को मध्यरु फरासी राष्ट्र विप्लव एक अन्यतम जुगांतकारी घटना थिला। एही फरासी राष्ट्र विप्लवर सुदूर प्रसारी प्रभाव फ्रांस ओ यूरोप राजनीति उपरे पड़ीथिला। कही परिबा में एहा यूरोप रो राजनैतिक समीकरण को संपूर्ण भावरे बदलाई देइथिला। एही फरासी राष्ट्र विप्लवरे जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो आरंभ करिबा फरासी राष्ट्र विप्लवर केतोटी मुख्य कारण। फरासी राष्ट्र विप्लवर प्रथम कारण हैला एहार पॉलिटिकल कॉज बा राजनैतिक कारण। फ्रांस रे बुर्बो राजवंशर राजा माने शासन करूथिले। केउ राजवंश थिला बुर्बो राजवंश। तो सही बुर्बो राजवंशर राजा माने अत्यधिक स्वेच्छाचारी थिले। से माने प्रजा मानंक कोनोसी सुख दुख दुर्दशा को बुझु नथिले। से माने सर्वदा मेरी मेकिंग बा मौज मजलिस ओ आडंबरपूर्ण जीवन जापन रे व्यस्त रहुतिले। सही राजा माने विभिन्न वैदेशिक युद्ध रे अमाप अर्थ व्यय करुथिले ओ एहारो भरणा साधारण लोकंक ठारु करा जाउथिला। तो मोटामोटी भावरे आमे कहि परिबा फ्रांस रे जेउ राजनैतिक व्यवस्थाटी थिला सही राजनैतिक व्यवस्था अत्यंत प्रतिक्रियाशील थिला। तो वर्तमान आमे बुझिबा सही राजनैतिक व्यवस्था रे थिबा केतोटी निर्दिष्ट राजांक कार्य जहाद्वारा फरासी राष्ट्र विप्लव संगठित होइथिला। तो प्रथम राजा थिले लुईस एक्स आई भी बा चतुर्दश लुई। से एक शक्तिशाली राजा थिले। से मात्र 5 वर्ष बयसरे 1643 रे सिंहासन आरोहण करिथिले ओ यूरोप इतिहास रे दीर्घ दिन पर्यंत शासक होइतिबा से एक राजा थिले। 1715 पर्यंत से सिंहासन आरोहण करिथिले। तो से एस्टाब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर। से एक शक्तिशाली फरासी साम्राज्य स्थापन करिथिले निजर युद्ध अभियान गुड़िक जोगु। बिल्ड वर्साई पैलेस फॉर मेरी मेकिंग। किंतु से पेरिस सहररु निज राजधानी को वर्साई नामक स्थान को स्थानांतरित करिथिले ओ सेठारे एक विराट पैलेस निर्माण करिथिले। सेही पैलेस रे से सर्वदा मौज मजलिस रे व्यस्त रहुथिले ओ साधारण लोकंक कोनोसी कथा को से बुझु नथिले। सेही समयर यूरोपर विभिन्न देशर विभिन्न आर्टिस्ट मान समस्ते आसी वर्साई पैलेस रे निजर आर्ट परिवेषण करुथिले। से कहिथिले आई एम दि स्टेट बा मु हेउची राष्ट्र। तांकर एही उक्तिरु आमे बुझी पारिबा जे फ्रांस रो राजा माने किभळी भावरे देश कहिले निजकु बुझुतिले बा किभळी भावरे से माने निजर स्वेच्छाचार शासन चलाइतिले। चतुर्दश लुईंक मृत्यु परे तांकर परे शासक हेले लुई एक्स भी बा पंचदश लुई। से मध्य दीर्घ दिन पर्यंत शासन करिथिले। से 1715 रु 1774 पर्यंत शासन करिथिले। तांको शासन व्यवस्था थारु फ्रांस रो अधोपतन आरंभ होइतिला। से फ्रांस सफर बाय हिज फॉल्टी फॉरेन पॉलिसी। तांकर त्रुटिपूर्ण वैदेशिक नीति जोगु फ्रांस गभीर माभारे प्रभावित होइतिला। तांकर सबुठु कुकर्म थिला बा तांकर सबुठारु खराब निष्पत्ति थिला 7 इयर्स वार विथ इंग्लैंड। इंग्लैंड सहित से 7 वर्ष व्यापी युद्ध रे अवतीर्ण होइतिले ओ एही युद्ध ही फ्रांस रो अर्थनीति को दोहलाई देइतिला। से कहिथिले आफ्टर मी दि डिल्यूक बा
मो परे महाप्लावन से बुझीथिले जे फ्रांस रो राजनैतिक शक्ति बा टोटल फ्रांस टी अधोपतन दिगकु गति करूअछि तेणु से कहिथिले आफ्टर मी दि डेल्यूज तो एही भली घड़ी संधि मुहूर्त रे फ्रांस रो नेक्स्ट राजा होइथिले 16 लुई बा लुई एक्स वी आई से 1774 रु विप्लव पर्यंत 1793 पर्यंत फ्रांस रो राजा रूपे थिले तांको समय रे ही फरासी राष्ट्र विप्लव संगठित होइथिला तांको समय रे इकोनॉमिक क्राइसिस वाज सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस बा अर्थनैतिक संकट तीव्रतर होइतिला निज राजत्वर प्राथमिक समय रे किछि संस्कार आणिबा पई चेष्टा करथिले किंतु तांकर राणी मेरी एंटोइने को हस्तक्षेप जोगु मेरी एंटोइने अजथारे राजनैतिक व्यापार रे मुंड खेलाउतिले ओ हस्तक्षेप करूतिले ओ तांको हस्तक्षेप जोगु 16 लुई कोनोसी बलिष्ठ पदक्षेप नै पारि नथिले फळरे फ्रांस रो अधोपतन होइतिला ओ 1789 रे फरासी राष्ट्र विप्लव संगठित होइतिला तो एही राजनैतिक कारण रे फ्रांस रो राजा मारंक स्वेच्छाचार अत्याचार मूलक शासन ओ कुशासन गुड़िक व्यतीत अन्य तीनोटी गुरुत्वपूर्ण टूल्स थिला जहाद्वारा कि साधारण लोक माने अत्याचारित हेउतिले ताहा थिला लेटर डी कैसे एही लेटर डी कैसे अनुजाई जणे व्यक्ति को बिना विचार रे अनिर्दिष्ट काल पर्यंत कारागार रे रखा जाई पारुथिला एहा द्वारा फ्रांस रो राजा माने तांको विरोध रे उत्तोलित हेउतबा स्वर को दबाई देउथिले द्वितीय थिला बास्टिल प्रिजन बास्टिल दुर्ग बंदीशालाटी फरासी नागरिक मानंक मध्य रे भय संचार करूथिला ओ शेषटी थिला गिलोटिन यंत्र राजांक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करूतबा व्यक्ति मानंकु गिलोटिन यंत्र माध्यम रे मृत्युदंड दिया जाउथिला तो एहा थिला फरासी राष्ट्र विप्लवर राजनैतिक कारण फरासी राष्ट्र विप्लवर द्वितीय कारणटी हेला सोशल कॉज बा सामाजिक कारण फ्रांस रो समाजटी असमानता बा इनइक्वालिटी उपरे गठित होइतिबा एक समाज थिला फ्रांस रो समाजटी तीनि भागरे विभक्त होइतिला जथा क्लर्जी बा धर्मजाजक सेमानंकु कहा जाउतिला फर्स्ट स्टेट द्वितीय रे थिले नोबल्स बा संभ्रांत बा आमे कहि परिबा सामंत सेमानंकु थिले सेकंड स्टेट एवं तृतीय रे थिले पीपल्स बा साधारण नागरिक सेमानंकु कहा जाउतिला थर्ड स्टेट तो प्रथम दुईटी स्टेट थिले सुविधा भोगी श्रेणी केउ माने क्लर्जी ओ नोबल्स माने थिले सुविधा भोगी श्रेणी एवं समस्त सुविधारु वंचित श्रेणी थिले एही पीपल्स बा साधारण नागरिक माने तो वर्तमान आमे एही तीनोटी श्रेणी को बुझीबा तो प्रथम केउ माने थिले क्लर्जी माने थिले क्लर्जी बा धर्मजाजक मानंक मुख्य कार्य कोन थिला धर्म रो परिचालना करिबा बा चर्च रो परिचालना करिबा किंतु दे लिव्ड इन मेरी मेकिंग एंड फॉरगॉट टू परफॉर्म देयर रिलीजियस ड्यूटी धर्मजाजक माने सर्वदा आडंबरपूर्ण जीवन जापन कले ओ सेमाने निजर मूल कर्तव्य धर्मर परिचालना करिबा भूलिबाकू लागिले सेमाने दे हैव एनोरमस इकोनॉमिक पावर सेमाने प्रभुत संपत्तिर अधिकारी हेले बा अर्थनैतिक फायदा हासिल कले चर्चर विस्तीर्ण संपत्ति थिला सही संपत्ति अधीन रे रही धर्मजाजक माने विलासमय जीवन अतिवाहित करबाकु लागिले साधारण जनतांक थारु विभिन्न प्रकारर धर्मीय कर आदाय कले एही भली भावरे सही समय रे धर्मजाजक श्रेणीटी अत्यंत विलासमय ओ एक दुर्नीतिपूर्ण श्रेणी रे परिणत होइथिला समाजर द्वितीय श्रेणीटी थिला नोबल्स बा सामंत मानंक श्रेणी जेतेबेले यूरोप रे सामंत युग थिला सही समय रे सामंत मानंक कार्य थिला किंतु सामंत युगर पतन होई आधुनिक राष्ट्रगुडिकर उत्थान हेबा सत्वे
ସେହି ସାମନ୍ତମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଦେ ମୋନୋପୋଲାଇଜଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ପୋଷ୍ଟସ୍, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଓ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ। ଇନୋରମସ୍ ୱେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡମାନ ଥିଲା, ସେହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ବିଜି ଇନ୍ ମେରି ମେକିଂ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ରାଜା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଓ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧାଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ପିପୁଲ୍ସ ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ, ଅନ୍ପ୍ରିଭିଲେଜଡ୍ କ୍ଲାସ୍। ସେମାନେ ଅନ୍ପ୍ରିଭିଲେଜଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥାର୍ଡ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 95% ଏହି ଅନ୍ପ୍ରିଭିଲେଜଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଦେ ପେଡ୍ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ସେମାନେ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ, ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ, ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଭାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଜୋୟା ଶ୍ରେଣୀଟି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, ସେହି ତିନି ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, ବୁର୍ଜୋୟା। ତ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ପ୍ରଫେସର, ଟିଚର, ଲୟର, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିପୁଲ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ବୁର୍ଜୋୟା ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ। ବିଙ୍ଗ ଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇଲାଇଟ୍ସ ହାଇଲି କନସିଅସ୍, ସେମାନେ ଏକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ହାଇଲି କନସିଅସ୍ ଥିଲେ। ନିଜ ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେହି ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କନସିଅସ୍ ଥିଲେ। ଦେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଦି କମନ୍ ପିପୁଲ ଫର୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଥିଲା, ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋଷଣ ଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ କାରଣ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ପଲିଟିକାଲ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।